बड़ी तादाद में जैसे 20 नौजवान यदि 500 किलोमीटर से चल करके यहाँ तक आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके अंदर पीड़ा है। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों पर या किसान नेताओं पर लक्ष्य लगा रही है। ये सरकार डरी और सहमी हुई सरकार है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है सरकार। यदि सरकार नहीं झुकेगी तो हम लोग इस सरकार को आने वाले समय में 2024 में सरकार को तोड़ मड़ोड़ करके फूंक देंगे और जमीनें मिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। द लोकल रिपोर्ट की खास रिपोर्ट में हम आपको आज दिल्ली के किसानों की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ सुनंदर परिहार। आप जुड़ चुके हैं लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम किसान प्रोटेस्ट को कॉल करने के लिए अभी दिल्ली के अंदर है, गाजीपुर बॉर्डर पे है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नौजवान है, यहाँ पे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कपिल कुमावली है, जनपद। मुझे बताएं कि क्या रोल है जितना भी यूथ जो है, जिसमें यूथ के पास जो भी टाइम रहता है वो टाइम यूथ जो है, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड की बात किया है तो बुंदेलखंड जो यूपी का जो एमपी से लगा हुआ इलाका है वो पूरा जो है बुंदेलखंड के यूथ, जैसे आज देखा जाए तो हमारे साथ में कई यूथ में आज लगभग 20 के लगभग हमारे साथ लड़के आए हैं कल, और इसके पहले भी जो है लड़के रहे हैं, ये जो है 26 जनवरी को हमारे साथ जो है लोग थे। तो कहीं ना कहीं यूथ का भी जो है, क्योंकि यूथ को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और यूथ जो है भविष्य को लेकर के चिंतित है और इस बात को वो चाहता है कि ये 40 दिनों कानून वापस हो ताकि आने वाला समय अच्छा रहे हमारा और हमारी पीढ़ी का। इन कानूनों में ऐसा क्या है कि जिससे किसान, देखिए किसान कानून क्या है कि कानून, सीधी सी बात, हम बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार इस कानून के माध्यम से हम लोगों को, खास करके किसान और मजदूर दबे तबके के लोगों को जो है इस कानून के माध्यम से गुलाम बनाना चाहती है सरकार। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग, क्योंकि ये प्राइवेट करना है खेती का, भी हम लोगों के पास खेती होती है जैसे, तो खेती का हमारे पास एक वो रहता है, हमें कल के दिन अपनी, हमारे पास जब खेती है, छोटे परिवार के किसान हैं हम, कल के दिन हमें किसी अपनी बहन बेटी की शादी भी करनी है तो उसकी भी रख करके हम अपनी खेती को जो है करते हैं और जो है बैंकों से लोन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा यदि जो है हम इसको पहले से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को गिरवी रख देंगे, तो निश्चित रूप से है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा वाली ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और जिसमें जहाँ तक कि हमारे किसान भाई और हमारे बुजुर्ग, हमारे जो है जितने भी यूथ में हैं वो सब लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है हमारा बुंदेलखंड। तो पूरे देश का किसान यहाँ आ रहा है, किसान लोगों को जो है और किसान नेताओं को भरपूर किसानों का समर्थन मिल रहा है। और अपना बात बताऊँ तो मैं जनपद जालौन से हूँ, तो जनपद जालौन में हमारा जो है, हम कोई नेता नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे यहाँ नेता नहीं है तो हमने एक किसान लोग का जो है इकट्ठा करके गांव बाई गांव पंचायत लगाना शुरू किया। तो पंचायत में हम केवल किसानों की, उनकी राय जानते हैं, क्या आप असंतुष्ट हैं इससे, तो किसान लोगों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन की जानकारी देने के लिए हम आज दिल्ली आए हैं, कल आए थे अपने नौजवानों के साथ, सभी को माननीय राकेश टिकैत जी से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान यूनियन के, जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे मिलवाया। उनसे भी हमें काफ़ी जो है अच्छा लगा उनसे मिल करके, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हालात हो हम लोग हटने वाले नहीं। खबरों में ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी ग्राउंड पे हैं आप भी, यहाँ पे आपने जैसे आपने कहा कि 2 दिन से यहाँ पे हैं, तो आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम है उनको। देखिए ऐसा है कि हम एक किसान के बेटे हैं, आप हमें ये बताइए कि किसी कर्मचारी को यदि दिक्कत होती है तो वो कर्मचारी धरनाओं पर होते हैं, हड़ताल करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, कोई भी कर्मचारी, चाहे आप बैंक के कर्मचारी देख लो, हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि आज हमारी जो है बैंक की हड़ताल है। हर कर्मचारी अपनी हड़ताल कर सकता है, लेकिन किसान को जो है आज अगर किसान हड़ताल पर, जो देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे देश का पेट भर रहा है, यदि वो आज सड़क पर आ गया है तो आम लोगों को थोड़ी बहुत यदि दिक्कतें होती हैं तो कोऑपरेट करना होगा, यही हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि ज़्यादा दिक्कतें हम भी देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सुबह से हमारा देखना हो रहा है तो इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं, लोगों को थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है, ये जो जाम किया गया। यदि सरकार को ये लग रहा है, सरकार की मंशा नहीं है ना, सरकार परेशान कर रही है, हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कानून बनाया गया है, हम लोगों को उसको एक्सेप्ट नहीं कर
कर रहे हैं। भाई आप हमें ये बताओ, जब कोई कानून हमारे लिए बनाया गया और हमें को एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप क्यों हमारे ऊपर जबरदस्ती ठोकना चाहते हो? इसलिए ये सरकार की मंशा है। आम ये व्यक्ति यदि परेशान है तो उसमें सरकार की मिली भगत है, क्योंकि सरकार जिस दिन चलेगी उस दिन ये काले कानून वापस कर लेगी, हम घर चले जाएंगे। हमारे भी बेटे बेटियाँ, परिवार है हमारा, माँ बाप, भाई बहन, परि पत्नी, सबका परिवार है ना, तो सब लोग चाहते हैं। कौन चाहता है कि ऐसी कड़क धूप में या भी ऐसी कड़ाके की सर्दी में हम लोग रहे, हमारे नेताजी रह भी रहे, हमारे जो है राकेश टिकैत लोग, तो उस दिन जो है आप देख रहे थे कि मानी राकेश टिकैत को रोना पड़ा। यदि राकेश टिकैत की बात होती तो राकेश टिकैत अगर वो तो सरकार तो ले दे करके भी कर लेते, यदि हमारा नेता बिकाऊ होता है। भाई लोग जो एक अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि वो नेता जो है नेता नहीं है, वो दलाल, तमाम प्रकार की इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये नहीं है। हमारा नेता झुकने वाला नहीं है और नेता के साथ करोड़ों किसान भाई, युवा साथी, दबे तपते और जो है हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, सभी लोग हैं उनके साथ। मोदी जी को और सरकार को क्या? देखिए सरकार को हमारा, हम तो सरकार से एक निवेदन ही करेंगे कि यदि हम लोग जो है क्योंकि अपना घर परिवार छोड़े यहाँ पर डले हुए हैं, बैठे हुए हैं, आज सड़कों पर हैं, तो सरकार को मान लेनी चाहिए क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी हो, किसान ने ही आपको दिल्ली पहुँचाया है, या किसान ने ही आपको, कोई भी चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्र की सरकार मोदी हो, ये किसान लोग नहीं पहुँचाए, क्योंकि हिंदुस्तान की 70% आबादी जो है किसान है, तो ये सरकार को मान लेना चाहिए। और अपनी जो है और एक चेतावनी भी है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे फिर हमें 2024 तक उसका इंतजार करना पड़े, हम मोदी को ही हटा देंगे लेकिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने तो ऐसा भी कहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, तो सरकार ने पीछे, तो हम भाई किसान लोग हैं, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई हम लोग भी खेत में जो है काम करते हैं, अब हम लोगों ने रूटीन बना लिया कि 10 किसान जो है 10 दिन आप यहाँ रहोगे, 10 दिन आप घर का काम करोगे, 10 दिन आप जो है आ जाएंगे, ये रूटीन बन गया। अब हमको कोई, हम लोगों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सालों साल चलेंगे, उस दिन दम लेंगे जिस दिन जो है ये योगी और मोदी को, खास करके मोदी को हटा देंगे हम जो है हिंदुस्तान से। इसी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि यहाँ के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो हर प्रोटेस्ट में दिखते हैं कि वो जैसे आज किसान प्रोटेस्ट है तो आज किसान प्रोटेस्ट में दिखेंगे, पहले CAA का था तो वहाँ पे दिख रहे थे, तो मतलब उन्होंने यहाँ के जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको बोला कि ये हर जगह दिखते हैं उनका ठेकेदार। देखिए ऐसा है कि आज हम यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, हम एक किसान परिवार के, हमारे हिस्से में 12 बीघा जमीन पड़ती है, हम बकाया किसी कार्यक्रमों में नहीं रहे, कौन सा दिल्ली में शाहीन बाग चला या कोई भी, हम वहाँ नहीं रहे। हमारे साथ आज बड़ी तादाद में जैसे 20 नौजवान यदि 500 किलोमीटर से चल करके यहाँ तक आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके अंदर पीड़ा है। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों पर या किसान नेताओं पर लक्ष्य लगा रही है, ये सरकार डरी और सहमी हुई सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है सरकार। यदि सरकार नहीं झुकेगी तो हम लोग इस सरकार को आने वाले समय में 2024 में सरकार को तोड़ मरोड़ करके फूंक देंगे और जमीनें मिलाने का काम करेंगे। युवाओं के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं इस प्रोटेस्ट में? देखिए युवा तो खास करके हमारे बुजुर्ग जो हैं, चूँकि अभी हम लोग जैसे हमारे छोटे भाई हैं या भाई लोग हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी जाएँ, चूँकि वो जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तभी हम लोग आने वाले समय में इनसे लड़ पाएंगे। इसलिए हमारे घर के बुजुर्ग विशेष करके आ रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग घर पर काम देखो या पढ़ो, जो है बुजुर्ग हमारे बड़ी संख्या में आ रहे हैं, गाँव से हो चाहे शहर से हो, इसे युवाओं को बढ़ चढ़ करके हिस्सा है, जिस हिसाब से होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा युवा जो है, आप तो घूमे हुए हैं, आप देख लीजिए युवा बड़ी तादाद में है यहाँ पर। तो जिस तरह से हमें 26 जनवरी को हुड़दंग देखने को मिला सड़कों में, बहुत से युवा जो थे अपने ट्रैक्टर्स को घुमा के स्टंट्स कर रहे थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैक्टर्स युवा जो है कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक आक्रोश भी था, हमारा जो है एक संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई अपना अधिकार मांग सकते हैं, अपना कोई अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और 60 दिनों से बैठे हुए थे। यदि 26 जनवरी को हल्का फुल्का हमारे किसान भाई के बेटों ने स्टैंड कर दिया तो आज जो है उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो, और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं उन लोगों ने आकर के अभद्रता की, आज किसान आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश की गई है, सरियासर साजिश है, आप उसकी जांच करिए। भाई किसान नेता हमारे राकेश टिकैत ने भी कहा कि उसकी जांच करिए आप, भाई जांच में यदि हम लोग दोषी पाए जाए तो सजा दीजिए,
यदि जो है दोषी पाया जाए उसको सजा मिले, चाहे फिर वो सरकार में बैठे हुए नंबर हो चाहे कोई भी हो प्रशासनिक अधिकारी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा जैसा पढ़ाई जरूरी है जी, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे जगह जगह पर यहाँ पे छात्र चौक बनाया गया है और साथ में छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है, तो इस चीज़ इन सब चीज़ों का कैसे? देखिए यही तो मैंने कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, पढ़ाई की व्यवस्था की गई, कोई हमारा बेटा बेटी भाई बहन जो भी, क्योंकि आपने देखा है काफ़ी जगह जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम यदि इनको नहीं पढ़ाएंगे तो ये आने वाले समय में पता नहीं क्या करेंगे। कोई भी स्थिति हो, हमारा काम है, कोई रोजमर्रा वाले काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम केवल इसी में हैं कि यदि सरकार अपनी जो है काले कानून वापस नहीं लेगी, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग सारी व्यवस्थाएं करें, हम लोगों ने झोपड़ी बना यहाँ पर बना रखी, टेंट कस रखे, अपने बच्चों को भी लाए यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनका हमें अनुभव मिल रहा है, हम लोग तो यही रहे और ये सुविधाएँ, और बड़ी तादाद में अभी तैयारी चल रही है, बड़ी तादाद में ये करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई लाइब्रेरी की और अच्छे से व्यवस्था हो, ताकि जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं या किसान परिवार के बेटे युवा नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बुला करके पढ़ाई और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। उसमें हमारे नेता लगे हुए हैं और सरकार मान जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, हम लोगों को शौक थोड़ी ना है, हम लोगों को भी काम काज है, किसानी है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करना।